नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देश भर में गुरुवार को इसके विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले। ऐसे में भारत के ऑल टाइम दुश्मन देश पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी बहती गंगा में हाथ धोने लग गए, लेकिन वो भूल गए कि बाप बाप होता है, वो जो भी कहेंगे उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि बगले झांकने लगेंगे। हुआ ये कि इमरान खान ने भारत के मशहूर लेखक खुशवंत सिंह की कुछ लाइन शेयर करते हुए उर्दू में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि भारत कट्टरवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। इमरान ने जब ये ट्वीट किया तो भारत से इसका जवाब मिलना जाहिर था। इसकी जिम्मेदारी संभाली मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्हें प्यार से लोग मामा भी कहते हैं। शिवराज ने इमरान की उर्दू का जवाब बड़े हल्के फुल्के अंदाज में देते हुए उर्दू में ही ट्वीट किया और इमरान को लिखा, क्या उर्दू में भी कोई इमोजी होती है? शिवराज ने जैसे ही इमरान का मजाक उड़ाया, भारत में उसे खूब पसंद किया जाने लगा। एंडी नाम के यूजर ने लिखा, मामा जी नमस्ते, उर्दू कब सीख लिया आपने? इस पर शिवराज ने जवाब दिया, अरे भांजे साहब, आखिर गूगल ट्रांसलेट किस दिन काम आएगा? आशीष मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा कि ये आदमी अलग लेवल पर ही ट्रोल कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। अभिनव ने लिखा, मामा जी उर्दू में ही लिख देते, पहली फुर्सत में निकल। विनोद चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, सर इमरान खान के पास खाने को रोटी नहीं, ये आतंकवादी फैक्ट्री कंट्री हमसे क्या मुकाबला करेगा? 130 करोड़ हिंदुस्तानी अगर एक थप्पड़ मारेंगे इसको, जमीन में चला जाएगा। आशु सिंह नाम के यूजर ने लिखा, हाँ ईट का जवाब पत्थर से। पारस राय ने लिखा, आपने तो इमरान खान की बैड मॉर्निंग ही कर दी। डेविल नाम के यूजर ने लिखा, मामा जी ये पाकिस्तान का पीएम खुद एक इमोजी है, 24 घंटे रोता रहता है। दरअसल नागरिकता कानून के विरोध में सोशल मीडिया पर खुशवंत सिंह की कुछ लाइनें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, जो उनकी किताब द एंड ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं, जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन पर उत्पीड़न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जय श्री राम के नारे से जुड़ी कुछ बातें साझा की गई हैं। यही पोस्ट बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की बेटी सना गांगुली ने भी पोस्ट कर दी थी, जिस पर गांगुली ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे ऐसे मुद्दों की इतनी समझ नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत में नागरिकता कानून को लेकर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इमरान इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि भारत में मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दो एटमी ताकतों में टकराव हो सकता है, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान अगर अपने देश में अल्पसंख्यकों की हालत पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा।